श्री सुमंत्र जी। सीता सचिव सहित तो भाई श्रृंग वेद पूरे पहु जे जाई और जो ही भगवान श्रृंगबेरपुर पहुंचे ये समाचार यह सुध को है निशाते जब पाई मुदिते लिए प्रिय बल तू बुलाई मुदिते लिए प्रिय बल तू बुलाई मुदिते लिए प्रिय बल तू बुलाई। राजसेवक महाराज, जैसा कि तुम्हें ज्ञान भी होगा हमें अयोध्या जाना है, क्योंकि आज अयोध्या में हमारे मित्र श्री राम जी का राज अभिषेक हो रहा है। हमें अयोध्या के प्रस्थान करना चाहिए, सभी तैयारियां हो चुकी हैं। महाराज, जो आप कह रहे हैं कि हाँ अवध चलना है, अवध नहीं चलना है, क्योंकि जिनका राज्याभिषेक होने वाला था अब उनका राज्याभिषेक राज्य का नहीं वन का राज्य हुआ है। क्योंकि मैंने तो ये भी सुना है कि पिता दीन उनका राजू ने 14 वर्ष का वनवास हुआ है, वो मानो इसी ओर चले आ रहे हैं अपने राज्य की ओर। क्या कहा? हाँ? हमारे मित्र श्री राम जी लक्ष्मण जी मैया जानकी जी वनवासी भेष में हमारी नगर की ओर आ रहे हैं। राज सेवक, हम स्वयं अपने मित्र का स्वागत नगर के बाहर जा करके करेंगे, सुंदर भेंट को सजाया जाए, हम इसी समय अपने प्रभु से मिलने की ओर जाएंगे। चलो राज सेवक। लिए फल मूले भेंट भारी भारा मिलन चल वही घरसिया पारा लिए फल मूले भेंट भारी भारा लिए फल मूलो भेंट भारी भारा मिलन चल वही घरसिया पारा भेट धरी आंगे करी दान देवतो भेट धरी आंगे प्रभु बिलो कतो अति अनुरागे प्रभु बिलो कत अति अनुरागे सहज स्नेह विवशी रघुराई पूछी कुशल निकट बैठाई भैया निखातराज। प्रभु, आप सब परिवार कुशलता से तो हैं। मेरे महाप्रभु, आज आपके चरण कमलों के दर्शन हो गए, आज तो मेरी कुशलता ही कुशलता है नाथ। अब तो मैं केवल यही चाहता हूं आप मेरे नगर को चलें, जिस प्रकार से आज आपने मुझे धन्य किया है अपने दर्शन देकर के, उसी प्रकार से आज मेरे नगर को भी धन्य करें नाथ। कुशल पद पंकज देखे भयो भाग भाजन जन देखे देव धरण धन धाम तुम्हारा मैं जननीच सहित परिवार आए हे मेरे महाप्रभु। मैं अपने परिवार के सहित आपका एक नीच सेवक हूँ, जिस प्रकार से आज आपने मेरा मुझे दर्शन देकर के मेरे जीवन को धन्य किया है, उसी प्रकार से आप मेरे नगर को चले भगवन। सखा कहो तुम सत्य सुजाना, आपने जो कहा वह सत्य है, परंतु मोहि दीन पितु आयसुआना। पिताजी ने मुझको और भी कुछ आदेश दिया है, वह आदेश कौन सा है? कौन सा? वर्ष 4-10 वासुवन मुनि व्रत वेश आहार ग्राम वास नहीं उचित जम सुनो सखा आगार। हमें 14 वर्षों तक मुनियों का व्रत एवं वेश धारण करके रहना है और किसी नगर या गांव में जाना उचित नहीं है। मेरे महाप्रभु,
यदि आप नगर नहीं जाना चाहते तो मैं नगर के बाहर ही आपकी साथरी को लगाए दे रहा हूँ। अवश्य भैया। देख रहे हैं भगवान, ये सरसुका नाम का वृक्ष है, मैं इसी वृक्ष के नीचे आपकी सुंदर साथरी को सजा रहा हूँ। आइए भगवान। गोहे सवारी साथरी दसाई, कुछ किस लय में मृदुल सुहाई, पत्तों और कुशाओं की साथरी यानी चटाई बनाई और भगवान ने उसी में शयन किया। सिय सुमल त्रिभ्राता सहित कंद मूल फल खाई, शयन कीने रघुवंश मणि पाय पलो तक भाई। भगवान शयन करने लगे, भैया लक्ष्मण पैर दबाने लगे और ज्यों ही जाना कि भगवान सो गए। उठे लखन प्रभु सोबत जानी, कही सच वही सोबन मृदुबानी। महामंत्री सुमंत जी, अधिक रात्रि व्यतीत हो चुकी है, अतः हम चाहते हैं आप भी शयन करें। अब कुछ ही दूरी पर भैया लक्ष्मण भी वीरासन बना करके राम जी की पहरेदारी में बैठ गए। कछुक दूरी सजी बाने सरासन, जागन लगे बैठ वीरासन। लेकिन महाराज गोह का ध्यान, निषाद राज जी का ध्यान भगवान राम की ओर गया। विचार कर रहे हैं, वही प्रभु श्री राम जो अपने महलों में मखमल में सोया करते थे, आज स्वयं प्रभु श्री राम पत्तों और कुशाओं की साथरी में सो रहे हैं। ऐसा देख देख करके सोबत प्रभु ही निहार निषादु, भयहु प्रेम बस हृदय बिषादु। तन पुलकित जल लोचन बही, बचन सप्रेम लखन सन कही। हे विधाता, आज मैं ये क्या देख रहा हूं, अरे जिनका भवन ही स्वभाव से सुंदर है, अरे जिस भवन की शोभा वह इंद्र भवन भी नहीं कर सकता, ऐसा भवन श्री रघुनाथ जी का है। अरे जिनके चौबारे वह मणियों से सुसज्जित है, जहां पर ऐसा मानो लगता है जैसे कि रति के पति कामदेव ने ही अरे उन चौबारों को अपने हाथों से सवारा हो, जहां पर प्रभु श्री राम जी शयन किया करते हैं, वहां पर अनेक प्रकार के वस्त्र दूध के फेन के समान निर्मल और कोमल ऐसे वस्त्र हुआ करते थे ओढ़ने और बिछाने के लिए, जहां पर मेरे राम जी और श्री सीता जी शयन करके वह रति और कामदेव के गर्भ का हरण किया करते थे, आज वही प्रभु श्री राम जी मैया जानकी जी पत्तों और कुशाओं की सैया पर शयन कर रहे हैं। नहीं नहीं विधाता, अरे यह दृश्य देखने से पहले यह निषाद्र के ये प्राण क्यों नहीं निकल गए। जिस समय दृष्टि मैया जानकी जी की ओर जाती है तो देखता हूं, अरे जिनके पिता महाराज जनक जी स्वयं हैं, जिनका प्रभाव इस विश्व में विख्यात है, जिनके ससुर स्वयं देवराज इंद्र के मित्र श्री रघुनाथ दशरथ जी हैं, जिनके पति स्वयं प्रभु श्री राम जी हैं, आज वही मैया जानकी पत्तू और कुशाओं की सैया पर शयन कर रहे हैं। नहीं नहीं विधाता, लोग सत्य ही कहते हैं, श्री रघुवीर की कानन जोगु कर्म प्रधान सत्य कहे लोगू, कर्म ही प्रधानता है, जो व्यक्ति जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। क्या श्री राम जी मैया जानकी जीवन की योग्य है? नहीं नहीं, अरे महारानी केकई तूने ये ठीक नहीं किया। केकई नंदन मंद मति कुठिल कठिन प्रणकीन, जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। अरे तूने तो सुख के अवसर में श्री राम जी को दुख दिया है,
अरे तू तो रकुल के वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी बनकर के संसार में जन्म लिया है। हे भैया लक्ष्मण, आप ही कुछ कहें, मुझे समझाएं। मेरा यह हृदय आज आज हृदय विचलित हुआ जा रहा है, विचलित हुआ जा रहा है। बोली लखन मधुरी मृदुपानी ज्ञान विरागी भगति रस सानी। भैया निखात राज, इस संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सभी अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब राता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सभी अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग फल मंदा, हित अनहित माध्यम भ्रम फंदा। संयोग मिलना वियोग बिछड़ना, मित्र शत्रु उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मरण जहाँ लग जग जालू, संपत विपत कर्म अरु कालू। जन्म मृत्यु संपत विपत्ति काल कर्म, जहाँ तक जी के जंजाल हैं। पर धरन धाम धनपुर परिवारु, सरग नरक जहाँ लग व्यवहारु। धरनी घर धन नगर परिवार, जहाँ तक व्यवहार है। पर देखिए सुनिए ये व्यवहार है, तो देखिए सुनिए गुनी मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। जो देखने सुनने और मन के विचारने में आते हैं, उन्हें मोह मूल अज्ञान है, परमारथ नहीं है। सपने होई भिखारी नप रंक नागपति होई, जाके हानि न लाभ कछु तिमि प्रपंच जिय जोई। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाता है, स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए, और भिखारी देवताओं का राजा इंद्र हो जाए, और जागने में हानि लाभ कुछ भी ना हो, तो इस दृश्य को देखने के पहले प्रपंच को हृदय से मानना चाहिए। भैया निखात राज, जब यह संसार स्वप्नवत है, सब धोखा है। सपने का राजा रंग होना, होना न होना मिथ्या। जीवों की यह अवस्थाएं सब घोर की बातें हैं। और भैया निखात राज, इनमें योगी जन जगते हैं, सारी दुनिया सोती है। वो जग जाते हैं जिन पर कृपा राम की होती है। और भैया निखात राज, अगर आपके मन में कोई और संशय हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी चिंता का निवारण अवश्य ही करेंगे। राम जी का गुणगान करते करते भुंसारा हो गया। कहत राम गुने भा भुन सारा, जाके जगे मंगल सुखदारा। सकल सोच करी राम नहावा, सुख सुजन बटे चीर मंगावा। सकल सोच करी राम नहावा, सुख सुजन बट छीरो मंगावा। भैया आप हमें बट का दूध मंगा दें।
राम जी ने बट का दूध मंगाया, क्यों? अपनी जटाओं को बनाने के लिए। और ऐसा जब महाराज सुमंत्र जी ने देखा तो सुमंत्र जी ये देख करके नेत्रों से अश्रु बाधित करने लगे। अनुज सहित सिरे जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल जाए। हृदय का भूवती बदन मलीना, कहकर जोगी बचन अति दीना, कहकर जोगी बचन अति दीना। आज यह क्या देख रहा हूं राम, तुम अपने इन सुंदर केसों को बरगद के दूध से जटाओं में परिवर्तित कर रहे हो। यह दृश्य देखकर आज तुम्हारे इस सुमंत का वक्षस्थल फटा जा रहा है राम, फटा जा रहा है। बंद कर दो बन का यह श्रृंगार, बस अब तो समय वो है राम कि ये देखा जाता है नहीं बन का यह श्रृंगार। चलो लौट चलो अवध को, वो देखो सन्मुख रथ खड़ा तैयार, रथ तैयार है राम। जिन केसों को माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी अपने हाथों से नाना प्रकार के इत्रों से सवारा करती थी, आज आज तुम उन्हीं जटाओं पर यह बरगद का दूध लगाकर सन्यासियों का भेष धारण कर रहे हो राम। क्या तुम मेरे साथ अयोध्या वापस नहीं चलोगे? यदि आप अयोध्या वापस नहीं चलेंगे तो वो अयोध्या वीरान हो जाएगी राम, वीरान हो जाएगी अयोध्या। आप तो वन में हैं और आपकी माता श्री के आदेश के अनुसार आपके पिताजी ने जो वचन दिए उन वचनों का निर्वाह करने के लिए आप वन में आए हैं। बात तो केवल इतनी ही थी कि राम वन की ओर चला जाए, फिर उस अयोध्या में कौन है ऐसा जो तुम्हें राजा बनना नहीं देखना चाहता राम, इसलिए माता की आज्ञा हो गई है। ये हो गई माता की आज्ञा, ये बन में है सरकार विराज चुके, बहु तेरे गगन जाग चुके पर। चलिए महिलों को चलिए, वह जनता जीवित हो जा अपने ही हाथों से राघो, वो अपने हाथों से राघो, वो तुम्हें मुकुट पहनावेगी अपने ही हाथों। इसलिए राम आप मेरे साथ में अयोध्या की ओर लौट चले, क्योंकि दिया बरदान दशरथ ने आपके पिता श्री ने वरदान में आपको 14 वर्षों का वन दे दिया, आपकी माता ऐसा चाहती है, लेकिन हमारा उस अयोध्या की प्रजा का क्या दोष है राम? दिया बरदान दशरथ ने कैकेयी बन पठाती है तो हमें क्यों छोड़ जाते हो, हमें क्यों छोड़ जाते हो? दिया बरदान दशरथ ने
सुन रहे हैं आप सभी लोग मंत्री सुमंत की बड़ी ही सुंदर वाणी, और वाणी से प्रभावित हुए हैं हमारे किशन जी द्विवेदी, जिनकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं मंच पर मंचासीन सभी पात्रों के लिए प्रदान किए हैं। और आप लोगों ने धन तो बहुत लुटाया है, ठीक है, लेकिन जो धन जहां देने योग्य है आप लोग वहां नहीं देते हैं, तो आपका धन धर्म में नहीं जाकर के अधर्म से जुड़ जाता है, क्योंकि कहा गया है जो धर्म की जड़ होती है वो पाताल से होती है, और जो अधर्म की जड़ होती है तो वो अस्पताल से होती है। थोड़े मां सब जानिए सहने, मैं इसके आगे नहीं कहूंगा। आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि अगर धन देंगे तो शुद्ध जगह दीजिए। सुने श्री ने हमें अपने समीप बुलाकर कहा था, सुमंत मैं तुम्हें आज अपने प्राणों की रक्षा के हितार्थ भेज रहा हूं, मेरे राम के साथ में चले जाओ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब तुम राम से कहोगे कि राम तुम्हारे पिताश्री ने तुम्हें बुलवाया है, तुम्हारे पिताश्री ये चाहते हैं कि तुम पुनः अयोध्या में पहुंचो, जब तुम कहोगे सुमंत तो राम तुम्हारी बात को टालेगा नहीं, और मैं तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करूंगा। ताते कहूं कौशल नाथा ले राती जा साथ में चले जाओ, बन दिखाए सुरसर अनुहाई, आने हूं बेग फेर दो भाई, यदि मेरा राम ना आए। राम मर्यादा धर्म नीत को जानने वाला है मेरा, यदि राम ना आए तो लखन सिया कहाने फेरी, संशय सकल सकोच बिसेरी मेरी जान की, और लक्ष्मण को ही लेते जाना। इसलिए राम मैं चाहता हूं कि आप तीनों मेरे साथ में चले। मंत्री सुमंत जी, आप जानते हैं कि हमारे पिताजी ने हमें वन का राज्य दिया है, और मैं पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहता हूं, और उस राज्य में अब मेरा हक नहीं है,
मेरे भाई भरत का हक है भैया। अब मैं वो राज्य नहीं कर सकता हूँ, मैं वो राज ना करूँगा, मैं वो ताज ना धरूँगा। सुन लो सुमंत्र प्यारे, मैं वो राज ना करूँगा, मैं वो ताज ना धरूँगा। सुन लो सुमंत्र प्यारे, नरेशा सहे धर्म गीत कोटि कलेशा। ओ शिव दधीच हरिचंद्र नरेशा सहे धर्म गीत कोटि कलेशा। मैं वो राज ना करूँगा, मैं वो ताज ना धरूँगा, मैं वो राज ना करूँगा। सभी लोग भगवान श्री राम जी की वाणी। रंती देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरो सही संकट नाना। सभी ने अपने धर्म का पालन किया है हाँ, लेकिन मैंने तो ये देखा है माता पिता ने है बन दे दिया, उनका वचन तुमने पालन किया। माता देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरो सही संकट नाना। मैं वो लाज ना करूँगा, मैं वो ताज ना धरूँगा। सुन लो सुमंत्र प्यारे, सुमंत्र प्यारे, सुन लो सुमंत्र प्यारे। नहीं राम पैदे ही बेटी को वन में रोते मैं देख नहीं सकता, इन पत्तों और कुशाओं में सोते मैं देख नहीं सकता, इसलिए इन्हीं को लौटा दे, इसलिए इन्हीं को लौटा दे, कुछ प्राण दीजिए कौशलपति को, यदि ये भी बल को साथ गई तो मरा समझिए कौशलपति को। राम यदि ये जानकी भी तुम्हारे साथ में वन की ओर चली गई तो ये समझो कि तुम्हारे पिता श्री के प्राणों का अंत हो गया, अयोध्या बर्बाद हो जाएगी। राम अयोध्या को बर्बाद होने से बचा लो। और जानकी सुन रहे थे भी। जानकी तुम अयोध्या वापस लौट जाओ,
वन में अनेक प्रकार के बहुत कष्ट हैं और बहुत विशाल विशाल जीव जंतु हैं। अरे तुम तो चित्रों को देख करके डर जाती हो और वहां उन निशाचरों को देख करके तुम कैसे रहोगे जानकी? हो ओ सिया बो सिया हमारी सिया, ओ सिया बो सिया हमारी सिया, संग वन को चलो ना हमारी सिया, संग वन को चलो ना हमारी सिया। सुन रहे हैं भगवान श्री राम जी की वाणी, जो कि मातोश्री जानकी को समझा रहे हैं कि आप अवध को लौट जाओ। इस वाणी से प्रभावित हुए हमारे आदरणीय अरुण मास्टर साहब, आपकी ओर से भी 51 रुपए की प्रेम सुन भगवान श्री राम जी और मातोश्री जानकी जी के चरणों में प्रदान हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद मास्टर साहब को। तुम अयोध्या की ओर वापस लौट जाओ जानकी, लौट जाओ। नहीं स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर मुझे अयोध्या में ही रहना होता तो मैं यहाँ क्यों आती? स्वामी, मंत्री सोने की चमक कहीं सोने से हो चरणों की रे स्वामी। वह स्वर्गपुरी सी अवधपुरी पर मुझे न ललचा सकती है, हंस निर्माण सरयो को तज कर अन्यत्र नहीं जा। Thank you.
मेरे स्वामी, मैं जाऊंगी तो सिर्फ आपके साथ आगे की ओर, बाकी मैं कहीं नहीं जाने वाली। देखिए लक्ष्मण जी ने कटु वचनों का प्रयोग किया, पुन कछु लखन कही कटु बानी। महामंत्री सुमंत जी, आप अयोध्या जा रहे हैं, मेरा एक संदेशा माता के कई से कह देना। कहोगे ना, कहना माता के कई से घी के चिराग जलवावे वो, हम काटे थे सो निकल गए निष्कंटक राग चलावे वो। ये भी कह देना क्षमा करें हम बेटे वो मातारी हैं, जो कृपा उन्होंने हम पर की हम इसके भी आभारी हैं। मेरा एक संदेशा है महामंत्री सुमंत जी, कह जरूर देना। नहीं नहीं सुमंत जी, आपको हमारी सौगंध है, आप अयोध्या जा करके ये सब बातें मैया से मत कह देना। दिल की तख्ती पर छोटों के वचनों को मत लिख लेना तुम, सौगंध तुम्हें है वहां जाए ये बातें मत कह देना तुम। माता दे आशीर्वाद हमें, माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे, जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे तब दर्शन उनके पाएंगे, और इन 14 वर्षों में क्षण मात्र न भूलेंगे उनको, अपने विचार के मंदिर में श्रद्धा से पूजेंगे उनको। जाइए सुमंत जी जाइए, अरे जाइए सुमंत जी। देखिए इच्छा नहीं थी महाराज सुमंत जी की, लेकिन राम जी ने जबरदस्ती भेज दिया। भैया थोड़ा हेलो, ये वाला बढ़ा दो थोड़ा सा भैया, हाँ साउंड सर्विस थोड़ा सा ये बात। जो ही मंत्री सुमंत्र जी को वापस भेजा और भगवान श्री राम मां गंगा के किनारे पर आए, सूरज कभी दूर किरण से